नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से हिमाचल के मुख्यमंत्री ने वाटर सेस को लेकर की चर्चा। सीएम मनोहर लाल और हिमाचल के सीएम सुक्खू के बीच हुई बैठक। बारिश ने एक बार फिर से बढ़ा दी किसानों की परेशानी। मंडी और खेत में बारिश के कारण भीगा किसानों का पीला सोना। पंचकुला के पार्क में मिला जिंदा बम शेल, खिलौना समझकर खेल रहे थे बच्चे, बड़ा हादसा होने से टला। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल है, जिनसे पानी व अन्य विषयों पर चर्चा हुई है। रेणुका डैम को लेकर भी चर्चा हुई और मुख्यमंत्री ने बताया कि वाटर सेस को लेकर भी उनकी चर्चा हुई। इस विषय पर स्टेटरी लेवल पर भी बैठक होगी और उसके बाद अध्ययन किया जाएगा। वहीं सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हमारा मानना है कि वाटर सेस को कोई आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, साथ ही हमारे वाटर सेस से ना ही पंजाब और ना ही हरियाणा पर कोई बोझ पड़ेगा। वाटर सेस कम करने के लिए अगर बिजली कंपनियां हमसे आग्रह करेंगी तो हम वाटर सेस को कम करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की तरफ से हमें यह भी कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में चलने वाले हाइड्रो प्रोजेक्ट पर निवेश करना चाहते हैं। आखिर पड़ोसी प्रदेश है और पड़ोसी प्रदेश का अपना एक संबंध होते हैं, तो उस नाते से बहुत से इश्यूज़ होते हैं, जिसमें पानी का एक विषय है अपने आप में। कुछ इश्यूज़ हमारे बिजली को लेकर के, कुछ हमारे नए प्रपोजल्स हैं, तो उस नाते से कई विषयों पर हमारी चर्चा हुई है। जैसे पानी वाले विषय पर मैं अगर कहूँ तो रेणुका डैम और हमारे जो लखवार और किशाऊ डैम, उस पर चर्चा हुई है। खास करके किशाऊ डैम का जो अभी MOU होना है, उस MOU में पिछली सरकार के समय, जब हिमाचल में पहले सरकार थी उस समय जो बातचीत थी, उसको आगे बढ़ा करके और हमारे जो केंद्रीय मंत्री शेखावत जी हैं उनको एक प्रकार से बैठा करके हम साथ करेंगे बात, और उसका एक MOU जल्दी हो जाए, क्योंकि दोनों प्रदेशों का लाभ है उसमें। कहीं ऐसा विषय नहीं है, सबको एक बिजली भी मिलेगी, पानी का, जो जिनको पानी मिलना उनको पानी का लाभ मिलेगा, तो इस प्रकार से किया। ऐसे ही एक आदि बद्री का जो हमारा डैम का एक समझौता हमारा पहले हो चुका है, उस पर भी एनवायरनमेंट क्लियरेंस जो होनी है उसको शुरू करके, ताकि उसको भी काम को शुरू कराएं। और बिजली के इश्यूज़ में जैसा अब एक नया सेस का विषय भी आपने निकाला है, हालांकि उसमें कोई हमारी सहमति आपस में नहीं है किसी प्रकार की, क्योंकि उसमें आपको पता है इधर इन्होंने एक्ट बनाया, हमने भी रेजोल्यूशन पास किया था विधानसभा में, तो हम जैसे होता है कभी लेट अस एग्री टू डिसएग्री, तो उसमें हमारा डिसएग्रीमेंट है, उसमें कोई बातचीत आगे होगी। खास करके ये विषय एक सैद्धांतिक विषय है, उसके ऊपर चर्चा होना अभी शेष है। कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी आपने सुझाए कि बिजली के नए प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट के नाते हरियाणा को ऑफर किया है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। उसका जो एक कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमको मिलेगी कि कहाँ कहाँ बिजली के हाइडल के प्रोजेक्ट्स नए और हो सकते हैं, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे, ताकि दोनों प्रदेशों का म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग बने, जिसमें पानी और बिजली दोनों का लाभ हो सके। इस प्रकार के कुछ इश्यूज़, बाकी क्योंकि हमारी पहली मुलाकात थी, तो जिसको कहना चाहिए एक फॉर्मली मिलने का क्रम पहली बार शुरू है, आगे भी शुरू करते रहे। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के करनाल में दौरे को लेकर हरियाणा के DGP PK अग्रवाल और ADGP CID आलोक कुमार मित्तल, जिला उपायुक्त अनीश यादव व पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने NDRI का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बता दें कि हरियाणा में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर पूरी चौकसी बरती जा रही है, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। IBK और अन्य जो एजेंसियां हैं, सबके साथ मिलकर एक संयुक्त रिहर्सल किया है विस्तार से, जहाँ जहाँ महामहिम राष्ट्रपति महोदया का प्रोग्राम है उसको देखा है, और काफ़ी संख्या में हमने यहाँ पर सुरक्षा ड्यूटियाँ लगाई हैं। सारी सुरक्षा ड्यूटियाँ चौक चौपंद रहेगी, और सारा जो ये प्रोग्राम है
बिल्कुल सुचारू। सर हरियाणा पुलिस लगातार पंजाब पुलिस के संपर्क में थी, बॉर्डर पर सिक्योरिटी चेक हो रहा था, क्योंकि अमृतपाल आज सुबह अरेस्ट हो गया, तो अब इस चीज को लेकर तो थोड़ी राहत मिली होगी हरियाणा पुलिस को भी। हम लोगों की सभी सुरक्षा एजेंसीज और पंजाब पुलिस से, निकटवर्ती राज्यों से लगातार इस संदर्भ में संपर्क बना हुआ था और हम लोगों ने जो भी सहयोग हुआ है समय समय पर उन्हें प्रदान। लोगों से अपील करेंगे कि बिल्कुल जैसे पुलिस प्रशासन का सरकार का कोऑपरेट किया है, कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, आगे भी ऐसे करेंगे? बिल्कुल, हरियाणा पुलिस ने हमेशा जो है अपने राज्य के नागरिकों के साथ मिलकर उनके सहयोग से राज्य में अमन चैन की स्थिति बनाए रखने में महत्वपूर्ण काम किया। आगे भी हमारा अपील रहेगा सभी नागरिकों से कि जो भी इस प्रकार की सूचना हो, कोई भी इस तरीके का कोई संदिग्ध व्यक्ति हो, कोई संदिग्ध वस्तु हो, कोई उन्हें अपने क्षेत्र में नजर आए, तो इसमें तुरंत सूचित करें, 112 पे सूचित करें और हम तत्काल जो है उस पर जो भी कार्रवाई होगी। पंचकुला के सेक्टर 16 स्थित बुढ़नपुर पार्क में जिंदा बमशर मिला है। सूचना मिलते ही आसपास रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई, जिससे पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया और जानकारी के मुताबिक सुबह बच्चे बमशेल को खिलौना समझकर खेल रहे थे। क्या लगाए जा रहे हैं कि बमशेल पंचकुला के सेक्टर 16 स्थित बुढ़नपुर गांव पानी में बहकर पहुंचा है और सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। आर्मी की टीम भी बमशेल वाली जगह पर पहुंच गई। आर्मी की टीम ने बमशेल को कब्जे में लिया। बहरहाल पुलिस और आर्मी की टीम के समय पर पहुंचने पर बड़ा हादसा टल गया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज गोहाना की नाज मंडी का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी व जेजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मंडियां गेहूं से अटी हुई हैं, जिससे किसान और आढ़ती परेशान है। मंडियों में गेहूं का ना तो समय पर उठान हुआ है और ना ही किसानों को पेमेंट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बेमौसमी बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिसे सरकार के मुआवजे के साथ साथ किसानों को बोनस के तौर पर 500 रुपए प्रति क्विंटल देने की मांग भी की। और वहीं हुड्डा ने ओपीएस की मांग पर बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार आने वाली पहली कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस लागू कर देगी। रोहतक और आसपास के इलाकों में देर शाम हुई बारिश ने किसानों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ा दी है। इस बार मार्च और अप्रैल माह में ही हुई बेमौसमी बारिश के कारण पहले ही किसानों के गेहूं और सरसों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। अब मंडी और खेत में बारिश से किसानों का पीला सोना भीग गया है। रोहतक की अनाज मंडी की बात करें तो खुले आसमान के नीचे लाखों क्विंटल गेहूं खुले में पड़ा हुआ है। बारिश की वजह से किसानों के गेहूं की खरीद लेट शुरू हुई। हरियाणा सरकार ने भले ही 1 अप्रैल से गेहूं का खरीद शुरू कर दी है और वहां बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि के कारण गेहूं की कटाई देरी से हुई और 10 अप्रैल तक गेहूं में नमी की मात्रा ज्यादा होने के कारण सरकार ने एक भी दाने की खरीद नहीं की। अब गेहूं की आवक मंडियों में तेज हो चुकी है। मंडी में समय पर उठान नहीं होने से मंडियों पर पैर रखने की जगह नहीं है, लेकिन बेमौसमी बारिश ने किसानों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। खुले आसमान में अनाज पड़ा, नुकसान नुकसान है भैया, इसमें क्वांटिटी तो कौन बतावे कि कितना है कितना नहीं, नुकसान तो है ही। तो ये उठान नहीं हो रहा क्या? उठान के कारण सारी समस्या पैदा हो रही और एक साइड के कारण। 1 अप्रैल से शुरू हुई थी मंडी में खरीद और तकरीबन 4-5 बाद मंडी में आना शुरू हो गया, तो पूरा अप्रैल ही उतर गया, उठान अब तक ना हो रहा। या तो सरकार की मेन कमी है उठान वाली, तो बेमौसमी बारिश से भी काफी नुकसान बिल्कुल होया है। पहले उत्पादन भी कम होया उसके कारण गिरा है गेहूं, अब फिर नुकसान हो रहा है। तो नमी होगी तो किसी लेगी नहीं सरकार? गवर्नमेंट फिर मॉइस्चर ना पाएगी, फिर वापिस आऊंगी, कल परसों देगी, खरीद भी ना हुए 2 दिन। तो पेमेंट लेट जाओगी फिर उससे और के उम्मीद करो? ना नहीं हो रही, तो दोरी मार पड़ रही है दोरी। महिलाओं और बच्चों को अपराधों से सुरक्षित रखने और उन्हें जागरूक करने के लिए करनाल के घरोंडा के एक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस कार्यक्रम में पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी भी ऑनलाइन जुड़ी और उन्होंने साइबर अपराधों को महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों से बचने और उनसे निपटने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में कहा कि पिछले साल जितने मामले हमारे पास आए उनमें अधिकतर युवाओं और साइबर अपराधों से संबंधित थे। इसी को लेकर युवाओं को जागरूक करने और उन्हें तकनीक के सही इस्तेमाल के बारे में बताने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि तकनीक के दुरुपयोग से हम लोग दलदल में फंसते चले जाते हैं। आज का हमारे कार्यक्रम डॉक्टर किरण बेदी जी के आने का था, परंतु कुछ स्वास्थ्य
की वजह से वो लाइव नहीं आ पाई यहाँ पर, लेकिन हम उनके साथ आज की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए स्क्रीन पर हैं और बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। बच्चे भी इंटरेक्शन करेंगे उनके साथ, और स्कूल की चेयरपर्सन आदर्श सेठी जी ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जैसे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, ऐसे आप भी हमारे साथ, इन पेरेंट्स के साथ, इन टीचर्स के साथ, इन बच्चों के साथ मन से बात करें कि हमारे बच्चों को क्या अवेयरनेस चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग भी हो गया और सबके साथ इंटरेक्शन भी हो गया। यमुनानगर में बीजेपी ने यमुना कमल के नाम से कार्यालय का उद्घाटन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर, यमुनानगर विधायक घनश्याम अरोड़ा व अन्य कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ इस दफ्तर का उद्घाटन किया गया। यमुनानगर में खुले इस कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने का काम किया जाएगा और अब यमुनानगर के इस कार्यालय में आमजन की समस्याएं भी सुनी जाएंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम जैसे जैसे बढ़ा है तो उस प्रकार से एक कार्यालय के भवन की आवश्यकता थी। यमुनानगर में जिला कार्यालय बना है यमुना कमल के नाम से। मैं सारे यमुनानगर के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, उन्होंने अपने ही सहयोग और सामर्थ्य से इस कार्यालय को विकसित किया है और एक अच्छे भवन का निर्माण हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति और कार्य संस्कृति के हिसाब से यहाँ पर इस इलाके के कल्याण के लिए अधिक से अधिक लोग किस प्रकार से लोक कल्याण के काम में जुटे, इस प्रकार के संस्कार के साथ आगे बढ़ेंगे। सर, आगे 2024 का चुनाव आने वाला है, प्रदेश का भी, देश का भी, किस तरह की तैयारी जरूरत? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब पन्ने पन्ने तक पहुंच रही है। काफी बड़ी संख्या में हमारा काम हो गया है, यमुनानगर का पूरा हुआ है, बाकी भी प्रदेश में 85% काम हमारा पूरा हो गया है और हम 23 जून तक पूरा करके सभी की कार्यशाला ही करेंगे। मुझे इस बात का आनंद है क्योंकि हमारे सामने जो विपक्षी दल है उसकी तो प्रदेश की बॉडी भी नहीं बनी है, जिले की बॉडी भी नहीं बनी है, उनकी मंडल की भी नहीं है, तो बूथ की बात तो वो सोच भी नहीं सकते। तो हम पन्ने पन्ने तक अपने संगठन को पहुंचाए हैं और जो हमारी तैयारी है, जैसे मैंने कहा, त्रिवेणी के आधार पर हम चुनाव में जाएंगे। मैक्रो लेवल पर मजबूत भारत, आत्मनिर्भर भारत जो खड़ा हुआ है इन 8-9 वर्षों में, दूसरा आम आदमी के घरों तक जो हमने सुविधाएं पहुंचाई हैं अंतिम व्यक्ति तक उसके आधार पर, तीसरा अपने संगठन के आधार पर। बहुत वर्षों तक चुनाव ऐसे लड़े जाते रहे कि कुछ नैरेटिव खड़ा करो, 100-200 लोग उसके पीछे लगा दो और उसके आधार पर चुनाव लड़ने के प्रयास में कुछ दल रहते हैं, लेकिन इतने बड़े संगठन के विस्तार और काम के बाद ऐसे झूठे नैरेटिव को नहीं चलने देना, किल करना, इसका सामर्थ्य संगठन के माध्यम से खड़ा हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी 2024 में फिर 10 की 10 लोकसभा और फिर से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। इंद्री की ब्राह्मण धर्मशाला में भगवान परशुराम जयंती को लेकर काफी दिनों से तैयारियां चल रही थी और जयंती को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी दिखाई दे रहा था। अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम जयंती पर इंद्री की ब्राह्मण धर्मशाला में काफी संख्या में धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक संगठनों के लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधायक प्रतिनिधि, उनके बेटे निर्मल कश्यप, पतंजलि यूनिवर्सिटी के चांसलर, ब्राह्मण धर्मशाला इंद्री के प्रधान सुरेंद्र कुमार, सुरेंद्र वत्स आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्य अतिथियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया व ब्राह्मण समाज के अन्य प्रतिष्ठित लोगों को भी सम्मानित किया गया। आज का कार्यक्रम बड़ा ही सुंदर और भव्य रहा है, लोगों में बड़ा जोश था कार्यक्रम के प्रति। और आज के कार्यक्रम में न केवल ब्राह्मण समाज के लोग, बाकी सभी समाजों के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सभी ने अपने विचार रखे और विशेषकर जो है सामाजिक कुरीतियों पर सभी ने एक राय व्यक्त की है। जैसे समाज में आज नशाखोरी की वृत्ति बढ़ रही है, देश प्रथा बढ़ रही है, और दूसरी है शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया है कि हमें अपने बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षित करना चाहिए और समाज में एकता और समरसता बनाने के भी महापुरुषों के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, इसी पर विचार मंथन हुआ। सभी धर्म जातियों को छोड़ते हुए सभी पार्टियों के लोग, सभी धर्मों के लोग एकत्रित हुए और सभी ने पूरी खुशी से, जोश से, उत्साह और उत्कर्ष से इस आज के पावन पर्व को मनाया, इसकी आप सबको भी बधाइयां। कालका पुलिस की तरफ से शहर में पेट्रोलिंग करने का काम लगातार जारी है। जानकारी देते हुए SHO कालका हरिराम ने बताया कि पुलिस पेट्रोलिंग करने का उद्देश्य शहरवासियों में ग्रामीणों को सुरक्षा का माहौल प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि उन्हें
सूचना मिली थी कि शाम के समय बाजार के अंदर कुछ शरारती तत्व खड़े रहते हैं और उन पर नकेल कसने के लिए वह अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अगर कोई सार्वजनिक स्थल पर शराब पीता हुआ दिखाई दिया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम जनता से कहा कि पुलिस आपके साथ है, भय मुक्त रहें। शाम के टाइम हमने जो ये पेट्रोलिंग की है कि कालका शहर में या आसपास के और गांव की जो पब्लिक है वो अपने आप को एक सुरक्षित महसूस करे, और शाम के टाइम मुझे सूचना मिली थी कि कुछ जगह पर शरारती तत्व खड़े होते हैं बाजार के अंदर, उनको नकेल कसने के लिए मैं पूरी अपनी टीम को लेकर शहर में पूरे में पेट्रोलिंग कर रहा हूँ। अगर कोई शरारती तत्व खुले स्थान में सार्वजनिक जगह पे गाड़ियों में शराब पीता है हम तुरंत एक्शन लेंगे, और जनता से भी हम एक ये अपील कर रहे हैं और उनको एक ये दिखा रहे हैं जनता को कि भाई पुलिस आपके साथ है, किसी भी प्रकार का भय महसूस ना करें, नियम से अपना रहें और नियम से ही ड्यूटी करें। अगर कोई भी आप लोगों की समस्या है तुरंत पुलिस को बताएं, अगर पुलिस से संबंधित है, अगर एरिया में किसी प्रकार का कोई अपराध है उसकी आपको जानकारी है तो हमारे को बताएं, तो उनका बताने वाले का नाम भी गुप्त रखा जाए। हम भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, अगर अब हमारे को दिखाई दिए तो तुरंत उनके खिलाफ एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, और आगे से भी हमारी टीम शहर के अंदर पेट्रोलिंग करेगी, अगर कहीं इस तरह का कोई शरारती तत्व दिखाई देगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कलर टाइम टीवी।